असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी रेडमी 13C है और रेडमी 13C में जो कंट्रोल सेंटर है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि ओल्ड कंट्रोल सेंटर है। लेकिन उस तरह अगर हम बात करें हाइपरोस के कंट्रोल सेंटर की, तो हाइपरोस में जो आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन रेडमी 13C में हमें ओल्ड तरह की कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। इसकी रीज़न ये है, जो रेडमी 13C है ये मिड रेंज सेगमेंट फ़ोन है, तो यहाँ पर आपको इस तरह का कंट्रोल सेंटर ही देखने को मिलता है। और जबकि जो दूसरी डिवाइसेस हैं उसमें आपको हाइपरोस का न्यू कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। अगर हम सेटिंग में चले जाएं तो यहाँ पे भी हमें कहीं पे भी जो न्यू कंट्रोल सेंटर है उसकी ऑप्शन देखने को नहीं मिलती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने रेडमी 13C में जो न्यू कंट्रोल सेंटर है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे MI कंट्रोल सेंटर, और यहाँ पे सर्च करने के बाद जो आपके पास पहली सर्च आएगी आपने उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं MI कंट्रोल सेंटर। यहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं जो MI कंट्रोल सेंटर है ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो ये वाली ऐप है, आपने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ MB की ये फाइल है, सिर्फ 10 MB की ये फाइल है। तो जैसे ही ये डाउनलोड होती है, इंस्टॉल होती है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ सेटिंग्स है जिनको आपने अलाउ करना है, और यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल सेंटर वो इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आपने अपना जो वाईफाई है यहाँ से पहले वो डिस्कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये ऐप में आपको ऐड देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक बार ही आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम वाईफाई को यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके सेटिंग्स को यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। तो अलाउ करने के बाद हमें यहाँ पे ऐड भी जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ड्यूअल सिम की सेटिंग्स को अलाउ कर रहे हैं, ब्लूटूथ को यहाँ पे अलाउ करेंगे, एक्सेसिबिलिटी में जाना है, एक्सेप्ट में जाना है, और यहाँ पे आपने डाउनलोडर ऐप जो है MI कंट्रोल सेंटर की उसको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से यूज़ MI कंट्रोल सेंटर को आपने प्रेस करना है। यहाँ पे आपने टिक करके इसको ओके कर देना है। 10 सेकंड्स का आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 10 सेकंड वेट कंप्लीट होता है तो आपने इसको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स हैं उनको भी आपने यहाँ पर अलाउ कर लेना है। ये राइट की सेटिंग्स हैं, इसको भी आपने यहाँ पे एनेबल कर देना है, और ये परमिशंस हैं कुछ। तो यहाँ पे 3 परमिशन आपको देखने को मिलेंगी, आपने तीनों को यहाँ पे बारी बारी करके यहाँ पे आपने सबको अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद जो आपकी सेटिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होने वाली हैं। तो यहाँ पे हमारी लास्ट जो नोटिफिकेशन की सेटिंग्स रहेगी, यहाँ से हम MI कंट्रोल सेंटर को यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे। और यहाँ पे फिर आपको फ्रेंड्स 10 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। आपने परेशान नहीं होना, पर टेंशन की कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी मसला देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो हमारा जो न्यू कंट्रोल सेंटर है MIUI का वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं जो कंट्रोल सेंटर है ये आपके सामने है, और यहाँ पे जितने भी इसके टगल्स हैं सारे वर्किंग हैं, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं जो जिनको हमने या परमिशन है उनको अलाउ करना है। और यहाँ पे हम उनको अलाउ करने के बाद जो हमारा यहाँ पे न्यू कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे परफेक्टली काम करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है ये MIUI का कंट्रोल सेंटर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सेम टू सेम जो हाइपरोस का कंट्रोल सेंटर है आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मौजूद है, वहाँ से जाकर वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और जो हाइपरोस का कंट्रोल सेंटर है उसको आप अपने मोबाइल में यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अगर कंट्रोल सेंटर की बात करें तो ये भी बड़ा अच्छा कंट्रोल सेंटर है। इसमें जो एक्स्ट्रा टगल्स हैं आपको यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जितने भी यहाँ पे इसके फीचर्स हैं वो यहाँ पे वर्किंग है, यहाँ पे कोई भी आपको मसला या दिक्कत कोई देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके टगल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं चेक करवा देता हूँ, वो भी यहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें किसी किस्म का कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके सेटिंग्स हैं सारी वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी, और उसके बाद जो इसके मोबाइल डाटा हो गया, वाईफाई हो गया, फ्लैश लाइट हो गई, तो ये सारे टगल जो हैं यहाँ पे वर्किंग है, सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सब टगल को यहाँ से एनेबल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, और यहाँ पे जो न्यू कंट्रोल सेंटर है उसको अपने रेडमी 13C में एनेबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।